गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में जो थर्ड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ फैराडे, विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम। देखिए, पिछली क्लासों में मैंने आपको यह समझाया था कि विद्युत अपघटन होता क्या है। विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघट्य पदार्थों की गलित अवस्था या उनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, वही क्या है विद्युत अपघटन। अब इलेक्ट्रोडों पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा ये किस किस चीज पर निर्भर करता है, उसके जो उदाहरण है वो मैंने आपको बता दिए थे कि इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ प्राप्त होता है वो आपके माध्यम पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य के माध्यम पर कि गलित अवस्था में या जलीय विलयन है। उस विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, विलयन तनु है या सांद्र है। और जो इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं एनोड कैथोड, उन एनोड कैथोड किसके बने इस पर भी निर्भर करता है, सक्रिय धातु के या अक्रिय धातु के। अक्रिय धातु के रूप में प्लेटिनम और ग्रेफाइट के ही इलेक्ट्रोड काम में आते हैं, याद रखना ये चीज। और सक्रिय धातु काम में ले ली कॉपर, जिंक, मरकरी, तो फिर वो स्वयं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने लग जाते हैं, उनका खुद का ऑक्सीकरण अपचयन होने लग जाता है और आपकी जो ये विद्युत अपघट्य के आयन है ये रखे रह जाते हैं, इनका नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कि इलेक्ट्रोड पर कौन सा पदार्थ मुक्त होगा या जमा होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि उस पदार्थ की मात्रा कितनी होगी। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाले, निक्षेपित होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है उससे संबंधित फैराडे के नियम दिए थे। तो फैराडे के नियम किस लिए दिए गए, पहले तो इस चीज को आप समझिए, उसके बाद हम नियम को भी पढ़ेंगे। फैराडे के नियम क्या बताते हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में या विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को ये नियम बताते हैं। अब पदार्थ की मात्रा ये तो पता कर लिया अपन ने पिछली क्लासों में कि कौन सा पदार्थ मुक्त होता है, अब इलेक्ट्रॉन पर कौन से पदार्थ की कितनी मात्रा मुक्त होगी उसके लिए हमें ये फैराडे के नियम पढ़ने हैं। ये आपके फिजिक्स में भी आते हैं फैराडे के नियम, वहां पर भी पढ़ोगे सेम है दोनों जगह। नहीं सॉरी, फैराडे के नियम जब आप विद्युत वाला चैप्टर, विद्युत धारा के प्रभाव वाला पढ़ोगे तो वहां पर तो यही पढ़ोगे, लेकिन माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित भी नियम दिए थे, वो अलग है। तो कंफ्यूजन मत होना, केमिस्ट्री में फिजिक्स के नियम मत लिखे आना, ये याद रखना। फैराडे के दो नियम है, फैराडे का पहला लिखते हैं प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, या यूं कह सकते हैं कि विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। उसमें आप कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हो, क्योंकि विद्युत के द्वारा ही तो पदार्थ टूटता है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में
विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले या जमा होने वाले वाले निक्षेपित भी बोलते हैं, जमा होना मतलब निक्षेपित, इलेक्ट्रोड पे जम जाते हैं, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है, होती है। मान लीजिए किसी विद्युत अपघटनी सेल में क्यू आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो डब्लू ग्राम मात्रा हमें प्राप्त हो रही है। माना क्यू आवेश प्रवाहित करने पर डब्लू ग्राम मात्रा प्राप्त होती है, मिल रही है, तो डब्लू समानुपाती क्या हो जाएगा क्यू, डब्लू तो क्या है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा और क्यू क्या है आवेश। अब हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है हमने कि Q बराबर क्या होता है आई टी, ये फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में भी, आई बराबर Q अपॉन टी होता है, तो Q बराबर क्या होता है आई टी, आवेश जो धारा इंटू समय के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पर W बराबर समानुपाती आई टी भी आ सकता है। अब मैं ये समानुपाती का चिन्ह हटा रहा हूँ और बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो कोई नियतांक आएगा, W बराबर आता है जेड आई टी, ये आपकी प्रथम नियम की समीकरण है, इसको ध्यान रखना है। जेड क्या है, जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इस जेड को क्या बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, समानुपाती स्थिरांक है, इस समानुपाती स्थिरांक को क्या बोला जाता है विद्युत पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है भाई। अब इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक की मुझे परिभाषा बनानी है, जेड की परिभाषा बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा जेड की परिभाषा, इस इक्वेशन में इनको क्या कर दो इकाई कर दो, दोनों को आई और टी को, यदि I बराबर एक एम्पियर और T बराबर एक सेकेंड तो W बराबर क्या हो जाएगा Z, हमारी डेफिनेशन बन जाएगी किसी विद्युत अपघटनी सेल में एक एम्पियर की धारा, एक एम्पियर की धारा या एक कूलाम आवेश भी कह सकते हो, एक एम्पियर की धारा एक सेकंड में प्रवाहित हो रही है मतलब एक कूलाम आवेश, एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। बेटा ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक तुल्यांक के बाहर नहीं है, ये याद रखना, तुल्यांक की बाहर अलग चीज है, उसको रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, और यह है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, दोनों अलग अलग चीज है। अगर हम जेड का मात्रक देखें,
विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक देखें तो क्या बनेगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन आई टी। तो इसको डब्ल्यू तो क्या है ग्राम, आई और टी क्या है एम्पियर इंटू सेकेंड। ये अपन इसको जेड बराबर ग्राम अपॉन कूलाम भी कह सकते हैं, ये इसके मात्रक है। ठीक है भाई, ये फैराडे का प्रथम नियम है। प्रथम नियम ने उसने क्या बता दिया कि किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो W समानुपाती Q, Q बराबर आई टी होता है, तो अपन Q की जगह आई टी लिख सकते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक समानुपाती स्थिरांक आता है जेड, डब्ल्यू बराबर जेड आई टी। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। जेड की परिभाषा बनाने के लिए इन दोनों को इकाई कर दिया, इकाई किया तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया जेड। किसी विद्युत अपघटनी सेल में एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ही उसका क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये इसका पहला नियम है, इसको उतार लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ध्यान में रखना है आपको। हाँ भाई, अब दूसरा नियम देखते हैं इसका। ये फैराडे का प्रथम नियम है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखते हैं दूसरा नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, विद्युत अपघटन के हैं ये सारे नियम, विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम है। दूसरा फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनमें समान मात्रा में आवेश प्रवाहित किया जाता है, समान धारा प्रवाहित की जाती है, समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। समझिए इसको, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनमें समान मात्रा में आवेश, समान मात्रा में आवेश प्रवाहित किया जाता है, आवेश आई इंटू टी, क्यू बराबर आई टी होता है ना, समान मात्रा में आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा
उनके रासायनिक तुल्यांक को, उनके रासायनिक तुल्यांकों, जिसको तुल्यांकी भार भी बोलते हैं, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, जैसे दो विद्युत अपघटन सेल ले ली हमने, एक में CuSO4 का विलयन भर लिया, एक में AgNO3 का। इनको बैटरी और स्विच से जोड़ दिया, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो समान धारा प्रवाहित होगी, समान धारा प्रवाहित होगी तो इसके इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोड पर जो कॉपर और एजी मुक्त होंगे उनका मात्रा जो उनके रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी? समानुपाती होगी। मतलब अगर एक की मात्रा W1 है, W समानुपाती क्या होगा? E। इसको याद रखो, इसका मतलब कॉपर की मात्रा W1 और Ag की मात्रा WT बराबर में E1/E2। ये क्या जाएगा? E1/E2। तुल्यांकी भार E बराबर क्या होता है? परमाणु भार अपॉन संयोजकता या N फैक्टर, उसके द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका तुल्यांकी भार। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। अपने इसको यूं भी लिख सकते हैं, इस सेल के लिए कॉपर की मात्रा अपॉन एजी की मात्रा बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार अपॉन एजी का तुल्यांकी भार, तो उससे निकल आएगा। ठीक है ना? तो ये इसका द्वितीय नियम है। देखो दोनों नियमों में एक वर्ड आ रहा है, उसमें तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक और इसमें रासायनिक तुल्यांक है, दोनों अलग अलग हैं, एक ही मत समझना इनको। विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग चीज है और केवल रासायनिक तुल्यांक, तो तुल्यांक की भार होता है वो अलग चीज है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक में संबंध देखेंगे, जेड और ई में संबंध। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये द्वितीय नियम है। दोनों नियम की कई बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट है ये फैराडे की नियम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है फैराडे के नियम। हाँ भाई, अब देखिए आगे, इसे मैं साफ कर रहा हूं। जेड और ई में संबंध, दोनों नियमों से बनेगा जेड और ई में संबंध। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये तो क्या है? जेड। वह रासायनिक तुल्यांक ये क्या है? ई। इन दोनों में संबंध,
इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे अगर ये संबंध नहीं पता तो। तो देखिए पदार्थ की मात्रा W1 अपॉन W2 ये किसके समानुपाती है, इनके रासायनिक तुल्यांकों के। और W बराबर क्या होता है, देखो प्रथम नियम, दोनों नियमों से देख लो। प्रथम नियम तो क्या कहता है, W बराबर ZIT, और द्वितीय नियम क्या कहता है, W समानुपाती E। तो इन दोनों ही नियमों से अपन ने ये समीकरण बना दी, W1 अपॉन W2 बराबर क्या होगा, E1 अपॉन E2 बराबर Z1 IT अपॉन Z2 IT। भाई ये तो प्रथम नियम से है और ये द्वितीय नियम से, और IT से तो IT कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां E1 अपॉन E2 बराबर क्या आएगा, Z1 अपॉन Z2। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे, बराबर। भाई इसके, ये इसके बराबर है और इसके भी बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे, बराबर। अब इसी से ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, तो E1 समानुपाती Z1, E2 समानुपाती Z2, तो E समानुपाती क्या जाएगा, Z। अब E समानुपाती Z, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो E बराबर आता है FZ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, E बराबर FZ। F क्या है, F समानुपाती स्थिरांक है, यहां पर F समानुपाती स्थिरांक है, स्थिरांक है जिसे फैराडे नियतांक कहते हैं, फैराडे नियतांक। और F का मान होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल, ये इसका मान फैराडे, फैराडे एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, और एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो 6.602 × 10⁻²। इनको काटो पीटो, देखो 16 × 96 से ये 602 है तो 500 आ जाएगा, ये 10⁻¹⁹ है, 23 में से 19 गए तो 4 बचेंगे, लेकिन ये दशमलव है, ये दशमलव यहाँ आएगा, इसको 4 जीरो इधर लाओगे तो 96,500 ही आएगा, ये तो ऐसे निकला है। तो कोई पूछता है ना फैराडे क्या है, एक फैराडे एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश, 500 कूलाम, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 96,500 कूलाम। तो E बराबर तो क्या आ जाएगा, FZ, और Z बराबर क्या हो जाएगा, E बटा F। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने दोनों, कौन कौन से, एक तो F का मान याद रखना 96,500 कूलाम, ये फैराडे नियतांक है, और एक ये Z बराबर E बटा अपॉन F। इसी से हमारे क्वेश्चन होंगे, जेड बराबर ई अपॉन एफ या जेड बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा 96,500। ई क्या है, रासायनिक तुल्यांक जो आप निकाल लोगे परमाणु भार में उसकी संयोजकता का भाग देकर। तो ये आपके फैराडे के नियम क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ये आपके फैराडे के नियम क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इस पर न्यूमेरिकल जो बनते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल अपन करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल मैं अभी करा देता हूं, बाकी कल करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है, 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर आपका कितना कैल्शियम मुक्त होगा। क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन करा देता हूं।
न्यूमेरिकल देख लीजिए आप इस पर, फैराडे के नियम पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं। क्वेश्चन है 1.5 एम्पियर की धारा CaCl2 के विलयन में 10 मिनट प्रवाहित करने पर कितना कैल्शियम मुक्त होगा। तो देखो कैल्शियम की मात्रा बतानी है, कैल्शियम की मात्रा W बराबर ZIT होता है जानते हैं हम, और Z बराबर क्या होता है E अपॉन F मैंने कल ही बताया था, क्योंकि हमको विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं दिया उसने डायरेक्ट, तो हमें ही निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से E अपॉन F इंटू IT। अब W बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक, सॉरी E बराबर क्या होगा परमाणु भार अपॉन संयोजकता। कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है और संयोजकता कैल्शियम +2 आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है तो 2, तो यहां पर E की जगह क्या आ जाएगा 40/2 और फैराडे तो है ही 96,500 कूलाम, I 1.5 और टाइम 10 मिनट को सेकंड में बदलो क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है, तो 10 × 7। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई आपकी और ये पॉइंट हटाओगे तो यहां 1 जीरो बढ़ेगी जो इससे कट जाएगी इस पॉइंट से, ये भी खत्म हो गया और ये 2 × 4 15 × 30 × 6 × 6 = 18 180 में 965 का भाग दो, 180 में 965 का आप भाग दीजिए तो आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा लगभग ये आएगा 0.186 ग्राम। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे, दोनों नियमों का उपयोग करना पड़ेगा, दोनों के रिलेशन पता होना चाहिए, E बराबर FZ याद रहना चाहिए, FZ मोटरसाइकिल से सुजुकी की मोटरसाइकिल आती है FZ, तो E बराबर FZ। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन इसके कल कराऊंगा मैं।